जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्लेइंग विद डॉल्स मूवी, जो कि एक थ्रिलर हॉरर मूवी है और ये स्लैशर एडल्ट कैटेगरी में भी आती है। वैसे तो इस मूवी के टोटल 4 पार्ट हैं और आज मैं पहले पार्ट प्लेइंग विद डॉल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं इस मूवी के बाकी पार्ट्स जैसे कि प्लेइंग विद डॉल्स, प्लेइंग विद डॉल्स हैवॉक और प्लेइंग विद डॉल्स क्राई हैवॉक को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप बाकी के वीडियोस देखना चाहोगे या नहीं। और हाँ, तो मैं इस मूवी के एंड में उन वीडियो को भी डाल दूंगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस ऑफिसर और एक गार्ड के बीच में लड़ाई दिखाई जा रही थी और दूसरी तरफ हम एक लड़की को एक भयानक मास्क पहने किलर से भागता हुआ देखते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर और एक गार्ड जहां पर लड़ाई कर रहे थे वहां पर हमें एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर कोई इस एरिया से आके जाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इधर दूसरी तरफ उस भागती हुई लड़की के पेट में चोट आती है जहां से खून भी निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़की किसी तरह से उस किलर से बचकर भाग रही थी। किलर भी उसके पीछे आराम से आ रहा था क्योंकि किलर को पता था कि लड़की कितना भी भाग ले उससे बचकर नहीं जा पाएगी। और आखिरकार वो किलर उस लड़की को पकड़ ही लेता है। लड़की रोते हुए उसे छोड़ने को बोलती है लेकिन किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो लड़की जब चिल्लाती है तो उसकी आवाज दूसरी तरफ लड़ रहे पुलिस ऑफिसर और उस गार्ड को सुनाई देती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली बारी हमारी होगी। वो गार्ड उस पुलिस ऑफिसर की बात को इग्नोर करके फिर से उससे लड़ने लगता है जिस कारण से पुलिस ऑफिसर को जानबूझ के उस गार्ड को गोली मारनी पड़ती है। गोली की आवाज वहां से कुछ दूर एक दूसरे ऑफिसर को सुनाई पड़ती है और वो अपने बॉस को कॉल करके गोली की आवाज के बारे में बताता है। उसका बॉस उस गार्ड को कहता है कि कोई भी बाहर का इंसान हो उसे गोली मार दे और गार्ड उस पुलिस ऑफिसर को दूर से ही गोली मार देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पुलिस ऑफिसर मरा है या नहीं। दूसरी तरफ उस लड़की को उस किलर ने एक पेड़ में कांटे वाले तारों से और रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था। वो लड़की जब होश में आती है तो खुद को ऐसे बंधा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। किलर एक चाकू से उस लड़की के कपड़े धीरे धीरे फाड़ देता है और फिर वो चाकू से उसके ब्रेस्ट को काट कर उसका खून वहां से निकाल कर उससे एक बोतल में भरता है। वो लड़की बहुत तड़पती रहती है और फिर वो किलर उस लड़की के पेट में चाकू मार के उससे वहां से फाड़ के अपना हाथ उसके पेट में डालता है और उसके पेट के अंदर से ही वो वहां का मांस बाहर निकाल लेता है जिससे कि वो लड़की वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई थी। हमें दिखाई देता है कि ये सब किलिंग एक आदमी अपने कंप्यूटर में बैठकर देख रहा है। उस जंगल में हर जगह कैमरा लगे हुए थे और वो एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसे लड़कियों को तड़पता हुआ देखकर बहुत मजा आता था और इसीलिए उस अमीर आदमी ने उस किलर को रखा हुआ था लड़कियों को मारने के लिए और वह अपने मॉनिटर पर उन्हें मरता हुआ देखकर खुश होता था। अब सीन शिफ्ट होकर सिंडी नाम की एक लड़की पर आता है। सिंडी की दोस्त लोरा उस घर के सारे सामान को बेचकर और सिंडी के सारे सेविंग्स के पैसे को चुरा कर वहां से भाग चुकी थी और तभी घर का मकान मालिक आता है और वो सिंडी से उस घर का रेंट मांगता है और सिंडी के पास में जो आखिरी पैसे थे वो उस मकान मालिक को दे देती है, लेकिन अभी भी उस मकान मालिक के पैसे बाकी थे और इसीलिए वो मकान मालिक सिंडी को अपने साथ में इंटीमेट होने के लिए ऑफर देता है और तब वो उस घर का रेंट फ्री कर देगा जिससे कि सिंडी गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। सिंडी फिर अपनी जॉब से बाकी के बचे हुए पैसे लेने जाती है और तब वहाँ की बॉस सिंडी से अपने पति को सेक्सुअल सीड्यूस करने का इल्जाम लगाकर उसे वहाँ से भगा देती है, जिससे कि सिंडी हार मानकर जब अपने घर जाती है तो वो ये देखती है कि उसके घर के दरवाजे पर कोई एक बॉक्स छोड़कर गया हुआ है। उस बॉक्स में एक कार की चाबी थी और सिंडी को जॉब ऑफर का कॉल आया हुआ था। सिंडी को कोई प्रॉब्लम न हो तो उसी कार में बैठकर कार के जीपीएस में लगे हुए लोकेशन की तरफ आने को बोलती है। सिंडी के पास अब कुछ नहीं था और पैसे के लिए वो उस जॉब के लिए मान जाती है। सिंडी जब बाहर आती है तो बाहर उसका मकान मालिक सिंडी को बाहर निकालने के लिए आया हुआ था और सिंडी उसी के सामने उस बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है और उसका मकान मालिक शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है। सिंडी अपनी नई जॉब से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे जैसे रास्ता सुनसान जगह पर आ रहा था तो टेंशन में आ जाती है। वो रास्ते में लकड़ी काट रहे एक आदमी से वहाँ की डायरेक्शन पूछने के लिए बाहर आती है तो वो आदमी उसे बड़ी बुरी नजर से देखता है जिसे सिंडी भाग जाती है और वो ये भी जान गया था कि सिंडी अकेले उस जंगल के रास्ते में आई है। सिंडी को वो आदमी ठीक नहीं लगता तो वापस से अपनी गाड़ी में आकर अपने रास्ते पर निकल जाती है और फिर वो एक टूटे फूटे घर पर जा पहुंचती है और वहां से उसका जीपीएस भी अब काम नहीं कर रहा था जिससे कि सिंडी और ज्यादा टेंशन में आ गई थी और उसका वापस जाने के लिए अब पेट्रोल भी नहीं बचा हुआ था।
अब कुछ देर के बाद में सिंडी को जॉब ऑफर के लिए कॉल करने वाली औरत आती है। वो सिंडी को लेके एक घर में जाती है और सिंडी का जॉब यही था कि वो उस घर का ख्याल रखे, उसे साफ करे। और ये घर एक अमीर आदमी का घर था जो कि सिर्फ वेकेशन बनाने के लिए यहाँ पर आता था। वो औरत उसे कहती है कि घर पर कैमराज भी लगे हुए हैं, लेकिन वो चिंता नहीं करें क्योंकि ये कैमरा सिर्फ घर के मालिक के वहाँ पर आने पर ही उसे ऑन किया जाता है। सिंडी को अपना काम समझाकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि वही मास्क पहने हुए किलर घर के अंदर ही घुस रहा था और सिंडी को ये बात पता भी नहीं चलती। सिंडी बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास अब नई जॉब थी, सिंडी के पास रहने के लिए जगह भी थी और उसके पास कुछ पैसे भी थे। अचानक से उसके पास में घर, सैलरी और बहुत सारे नए कपड़े भी आ गए थे। सिंडी एक के बाद एक नए कपड़े पहन रही थी और खुशी से डांस कर रही थी और किलर घर में घुसकर सिंडी के सभी हरकतों पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही अमीर आदमी घर के अंदर लगे हुए कैमरा से सिंडी पर नजर रखे हुए था और ये घर उसी अमीर आदमी का था और सिंडी उसकी अगली शिकार थी। उसने सिंडी को जॉब का लालच दिया ताकि वो उसे भी बाकी की लड़कियों की तरह तड़पा तड़पा कर मार दे। उस आदमी के पास में बहुत सारी बॉटल्स थी जिसमें कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स थे और बॉटल को लड़कियों के नाम से भी रखा गया था। वो आदमी एक बॉटल में सिंडी के नाम का लेबल लगा देता है जिसका मतलब साफ था कि अगली बारी सिंडी की है और अब उस बॉटल में सिंडी की बॉडी के पार्ट्स जाने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंडी बाथरूम में नहाने जाती है और वो किलर उसे मारने वाला था, लेकिन वो अमीर आदमी किलर को ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो अमीर आदमी सिंडी को थोड़ा और देखना चाहता था। वो किलर को धमकी देता है कि अगर उसने उसका कहना नहीं माना तो वो उसे लड़कियों का शिकार करने नहीं भेजेगा और उसे जेल भेज देगा। किलर उस अमीर आदमी की बातें सुनकर गुस्से से वहां से बाहर आ जाता है। सिंडी जब सुबह उठती है तो दरवाजे के सामने एक मरा हुआ जानवर था जो कि किलर ने सिंडी को डराने के लिए रखा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद में किलर जब अपने घर पर जाता है तो उसका घर एक कैनिबल फैमिली का घर था। वहां पर मरे हुए लोगों के कंकाल, हाथ पैर और उनकी बॉडी के पार्ट्स हर जगह लटके हुए थे। और ये किलर इतना ज्यादा साइको था कि वो किसी को बिना मारे नहीं रह पाता था क्योंकि उसे लड़कियों को मारने में बहुत मजा आता था। वो सिंडी को मारने के लिए भी तड़प रहा था, लेकिन उसे उस अमीर आदमी ने ऐसा करने के लिए रोका हुआ था। इधर हम देखते हैं कि सिंडी रात के समय ड्रिंक करके सो जाती है और किलर सोते हुए सिंडी को गलत तरीके से टच कर रहा था और वो उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच करता है। वो सिंडी के बेड के नीचे छुप जाता है और सिंडी को भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास है। उसे एहसास होता है तो वो उठकर पूरा घर चेक करती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह सिंडी घर के बाहर बने एक हॉट टब में अपने पूरे कपड़े निकाल के नहाने जाती है और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर सिंडी से मदद मांगने के लिए आ जाता है। वो ऑफिसर पूछता है कि क्या उसके पास में कोई फोन या फिर वहां से निकलने के लिए गाड़ी है, लेकिन सिंडी के पास में कुछ भी नहीं था और उसकी गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था। उस पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा चोटें आई थी तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पुलिस ऑफिसर को जब होश आता है तो सिंडी ने उसके घाव पर पट्टियां लगा दी थी और वो अमीर आदमी पुलिस ऑफिसर को अपने घर के कैमराज में देख रहा था और इसीलिए वो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। पुलिस ऑफिसर सिंडी को ये बोलता है कि वो यहाँ पर एक किलर को पकड़ने आया हुआ है जो कि बहुत बेरहमी से वहाँ पर आने वाली लड़कियों को मार डालता है। ये किलर एक जेल से भगा हुआ कैदी है और इस जंगल में छुपा हुआ है। पुलिस ऑफिसर थोड़ा हैरान भी था क्योंकि उस घर में कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी फोन या फिर वहां से निकलने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो सिंडी यहाँ पर अकेले कैसे रह रही थी। अब कुछ देर बात करने के बाद में पुलिस ऑफिसर सिंडी से पूछता है कि उसकी जैकेट कहाँ पर है। सिंडी ने जैकेट को ड्रायर में डाल दिया था तो पुलिस ऑफिसर तुरंत वहां पर जाके उस जैकेट को निकालता है क्योंकि उसके जैकेट के अंदर एक फ्लैश ग्रेनेड था और ये फ्लैश ग्रेनेड वही फ्लैश ग्रेनेड है जो कि पबजी में कुछ देर अंधा करने के लिए फेंका जाता है। वो उस ग्रेनेड को बाहर निकाल कर रख देता है और तभी उस अमीर आदमी के लोग उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर भी उन पर गोलियां चलाता है और घर के अंदर वो किलर भी सिंडी को मारने के लिए आ गया था। सिंडी उससे भागने के लिए घर के बाहर चली जाती है और किलर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उसका शिकार करने के लिए। वो सिंडी को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा था और सिंडी उस फ्लैश ग्रेनेड को उस किलर के ऊपर फेंकती है जिससे कि बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से सिंडी और किलर दोनों थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिंडी फिर भी वहां से भागती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तो वो एक पेड़ से टकरा कर बेहोश हो जाती है। किलर वहां पर आता है और सिंडी को उठाकर कहीं ले जा रहा था और उसे एक लकड़ी के ऊपर पेट के बल लेटा देता है, जिसके बाद में किलर कुछ ऐसा काम करने जा रहा था
जिसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। वो पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट में उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को घुसाने वाला था। सिंडी अभी भी बेहोश थी और उसे पता नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला है, और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आके उस किलर को मार के जख्मी कर देता है, जिसके बाद में सिंडी भी वहां से भाग जाती है। दूसरे लिए कार में भागता है क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने उसके सारे आदमियों को मार डाला था। वो जंगल के रास्ते भागता है और जंगल के रास्ते में उसे सिंडी मिल जाती है। सिंडी उसे किलर से बचाने के लिए मदद मांगती है और उसके साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। लेकिन सिंडी को ये नहीं पता था कि अनजाने में वो उसी आदमी से जा मिली है जिसने उसे जानबूझकर वहां पर फंसाया था ताकि वो उसका शिकार उस किलर से करवा सके। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसके बाकी के पार्ट्स भी एक्सप्लेन करूंगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।